Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. Today we will discuss the numerical for motion in one dimension for class 9. Speed is equals kya hota hai? Distance divided by time hota hai, theek hai? Ab iske baad average speed, instantaneous speed, is tarah jo bhi cheeze hai wo to baad ki baat hai. Ye speed ka ek ho gaya. Next aati hai hamare velocity. Ye hamara ho gaya. Velocity mein kya hota hai? Dekhiye displacement. Displacement divided by time होता है, ठीक है? And और अगर एक आते हैं acceleration, ठीक है? तो acceleration का होता है ये, तो इसका formula होता है v minus u divided by t time. तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? As usual हम लोग discuss करेंगे unit के बारे में, ठीक है? तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एक unit के बारे में थोड़ा discuss करते हैं कि डिस्टेंस क्या है. एक तरह का लेंथ है, तो इसको किस में मेजर करेंगे? इसको मेजर करेंगे हम लोग मीटर में, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे? इसको भी मेजर हम लोग करेंगे मीटर में. टाइम का मेजरमेंट किस में होगा बच्चों? सेकंड में होगा, ठीक है? तो देखिए, स्पीड का क्या बन गया? मीटर बाई सेकेंड. तो ये स्पीड का यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड. जिसको नहीं पता कि मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का, वो ध्यान पे रख सकते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टाइम आया. टाइम का क्या होगा बच्चों? सेकेंड होगा. तो वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों को का यूनिट क्या होता है? सेम होता है, याद रखना है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिए एक्सलरेशन, ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी, इस चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा? इसका होता है मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम है, इसका क्या होगा? सेकेंड. तो ये दो सेकेंड है डिवाइड पे, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरह से ये एक यूनिट हो गया हमारा, ठीक है? तो ये तीन फार्मूला पे हम लोगों को काम करना है. नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स है, जैसे कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है. इसके बाद आता है हमारे पास 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड में 1 आवर होता है, ठीक है? तो हम लोग इस्तेमाल इसका हम लोग करने वाले हैं. तो आइए, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 1 से हम लोग डिस्कस करते हैं. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला सवाल है बच्चों, द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड. तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप, पहले हम लोग कन्वर्जन को सीखते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है किस में? मीटर पर सेकेंड में. तो देखिए करते कैसे, ये किलोमीटर पर आवर मतलब 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? तो ये 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर है. तो 1 किलोमीटर में क्या हो गया? ये 1000 मीटर हो गया, और 1 आवर में 3600 सेकेंड हो गया. देखिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 5 जा, और ये हो गया 18. तो देखिए क्या हो गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया. इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं. अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर. क्या लिखा है? 5 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब क्या है? 5 × इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 किलोमीटर पर आवर. और देखिए भाई, 1 किलोमीटर पर आवर में हम क्या लिख सकते हैं? 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो ये नंबर तो ऐसे ही रह गया, इसके बदले क्या लिखेंगे? 5/18 मीटर पर सेकेंड. और इसे हम लोग क्या करना है बच्चों? इसे हम लोग सॉल्व कर लेना है. तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कभी भी अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर फैक्टर को. और अगर इसका रिवर्स करना है, रिवर्स करना मतलब ये नंबर को इधर लाएंगे तो क्या होगा? ये 18 ऊपर आएगा और 5 डिनोमिनेटर पे आ जाएगा. तो अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे. तो आपको ये याद रखना है. तो आइए इसको भी हम लोग एक्स्ट्रा में यहाँ नोट कर लेते हैं. जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स 5/18 मीटर पर सेकेंड. इस तरह से हमारा ये हो गया है. सवाल है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड. तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप करिएगा खुद से, मैं बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ हल्का. देखिए ये स्पीड क्या होगी? स्पीड है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर. तो मैंने क्या सिखाया अभी, इसको लिख सकते हैं 72 × 1 किलोमीटर पर आवर. जी, तो ये हमारा हो गया 72 × 1 किलोमीटर पर आवर, जो है कितना हो गया कन्वर्जन फैक्टर 5/18 मीटर पर सेकेंड. नंबर 2, इस पे कहता है कि हमारे पास है देखिए 15 मीटर पर सेकेंड है.
इसको कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये 15 को यहाँ लिखना है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, मतलब इसका उल्टा हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ये 18/5 करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो ये 18/5, तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 3 और 18 × 3 करके अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दो क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्जन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी कन्वर्जन है, कन्वर्ट कीजिएगा। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कहता है कि भाई हमारे पास दो अलग अलग सिटी है, एक आगरा और एक दिल्ली है, तो हम लोग इसको नाम नहीं लिख के ऐसे नोटेशन वाइज देते हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। और ये डायग्राम से आपका यूज़ करेंगे तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगा, तो आप ज़रूर कीजिए, आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं ऐसा। तो ये कितना समय ले रहा है बच्चों, 3 आवर टाइम ले रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कहता है कि इसकी स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्कूल में मतलब एग्ज़ाम में बनाने का एक तरीका होता है, तो मैं आपको एक तरीका बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, गिवन डेटा, गिवन क्या क्या है वो आप लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, टू फाइंड, मतलब फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे आते हैं लिखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। तो ये एक मतलब एक प्रॉपर वे हो गया इस चीज़ को सॉल्व करने का, ये एक बेसिक सा प्रोसेस है, मतलब इसको फॉलो करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल और ज़्यादा बेहतर दिखेगा, जिसमें गिवन डेटा अलग है, क्या फाइंड करना अलग है, कैलकुलेशन अलग है। लेकिन यहाँ पे अभी डिस्कस करते समय में ये सब तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल का बेसिक है, मतलब जो मेन पोर्शन है, मेन पार्ट है, वो हम ज़रूर यहाँ पर आपको डिक्टेट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, हम लोग लिखे हैं स्पीड इज इक्वल्स क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो स्पीड की वैल्यू देखिए 65 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ अपने को 65 लिखना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है। तो डिस्टेंस टाइम कितना है, 3 आवर है। आपको एक चीज़ याद रखना है कैलकुलेशन के टाइम में, अगर किलोमीटर में है डिस्टेंस तो टाइम किस में रखना है, आर में रखना है, और अगर मीटर में है तो टाइम किस में रखना है, सेकंड में रखना है। ये चीज़ आपको याद हो रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका न्यूमेरिकल में मिस्टेक ना आए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस इज इक्वल्स 65 × 3, तो देखिए कितना हो गया यहाँ पे, 3 5 15 3 6 18 1 19 195। यूनिट क्या लिखेंगे अब, इसको देखिए क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस, तो ये मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, किलोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होगा किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा कहता है कि लेट वी हैव अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी लाइक दिस एंड दिस इज अ पॉइंट सी। सपोज दैट ए बी सी आर द 3 डिफरेंट पॉइंट्स, सो दिस डिनोट्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके, एंड दिस डिनोट्स द नेक्स्ट 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारा 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये अपना कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि इसे मैं डायरेक्ट तो बता ही सकता हूँ कैसे अपना आंसर आएगा, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, मतलब कैलकुलेशन डायरेक्ट करना है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा है कि द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो देखिए बच्चों करना क्या है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, इस जर्नी को करने के लिए जितना टाइम लगेगा प्लस इस जर्नी को करने के लिए जितना टाइम लगेगा। तो बच्चों देखिए ये टाइम बराबर क्या होगा, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो स्पीड क्या होगा, नीचे आएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस d1 स्पीड s1, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस d2 स्पीड s2,
तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये एस वन इज इक्वल्स हो गया, ये डी वन इज इक्वल्स हो गया, ये डी टू इज इक्वल्स हो गया और ये एस टू इज इक्वल्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, देखिए डी वन कितना है बच्चों, 30 है। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 40। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये 1/2 आ गया। तो ये हो गया देखिए 1/2 प्लस 3/4। इसका एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये हमारा देखिए हो गया 4 और इधर आ जाएगा 2 प्लस 3, थोड़ा 4 को अच्छे से लिख देता हूँ, तो ये हमारा हो गया 5/4 आएगा। अब ये बताइए ये सेकंड में आएगा या आर में आएगा, डेफिनेटली ये आर में आएगा। कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए डेटा किस में है, ये डेटा आर में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने को आर लिखना है। अगर मान लीजिए इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यार ये 1 आर है, ये आर है ना, तो 1 आर में कितना मिनट होता है, तो मिनट या सेकंड में अगर आप 1 आर में हम लोग का 60 मिनट होता है, कितना होता है 60 मिनट होता है। अगर सेकंड में करेंगे तो और एक तो 60 लगाना हो तो, बट हम लोग ये इतने ही रहने देते हैं। तो ये देखिए कटेगा ऐसे, तो ये हो गया 15/75 75, ये कितना हो गया मिनट। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एवरेज स्पीड के बारे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एवरेज स्पीड का जब भी आएगा फार्मूला, तो एवरेज के लिए हर एक चीज़ टोटल होना चाहिए। मतलब स्पीड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेकिन एवरेज जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला हो गया इसका। तो आप ही देखिए यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 पहला था उसके बाद 30 है, मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग ये D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, तो ये 30 और 30 अपना हो गया 60 हो गया, 60 किलोमीटर। और टाइम कितना आया था भाई, तो देखिए ये किलोमीटर में है और ये अपना टाइम कितना आया था, टाइम जो हम लोगों का आया था वो क्या था, 75 मिनट था। कितना था बच्चों, 75 मिनट। तो उसको आर में कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार और हम लोग एनालिसिस करते हैं या कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेशन सीख लेते हैं। 75 मिनट है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, कन्वर्जन फैक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ। कन्वर्जन फैक्टर है यहाँ पर कि 60 मिनट में 1 आर होता है, तो 1 मिनट में कितना आर हो गया, 1/60 आर हो गया, ठीक है। तो ये मिनट को हटा के 1/60 कर देंगे तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इतना 1/60 आर हो गया। तो ये क्या हो गया, 5/4 आर हो गया। तो टाइम क्या लिखेंगे, 5/4 और ये आर में आ गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, 60 × 4/5। तो इसको कट करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, तो ये 1200 होता है 48। निकाल क्या रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज स्पीड निकाल, तो स्पीड रहे हैं, स्पीड का क्या होगा किलोमीटर पर आर, यहाँ पे यूनिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेन टेक्स 2 आवर टू रीच अ स्टेशन बी फ्रॉम ए। मतलब भाई क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक ट्रेन है, ठीक है, और वो उसमें ट्रेन जो है ए से बी तक जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, जिसमें इसको समय लगता है 2 आवर का, ठीक है, एंड देन 3 आवर टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी। रिटर्निंग के लिए 3 आवर लग रहा है, तो वो रिटर्निंग का डायग्राम हम अलग बनाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है, सेम चीज़ है ना बी, तो और ये कहता है कि रिटर्न जब आ रहा है तो उसमें 3 आवर का समय लग रहा है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है। और यहाँ पे कितना है, ये भी तो उतना ही रहेगा, थोड़ी बदल जाएगा स्टेशन, तो दोनों सेम ही है भाई। तो अब हमें कहता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो आइए देखिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम लोग सीखेंगे और ताकि फास्ट कैलकुलेशन हो पाए, और दूसरा हमें क्या सीखना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पीड का क्या हिसाब किताब, स्पीड है तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और मैंने सिखाया है कि भाई जब एवरेज होगा तो यहाँ टोटल लगाने का है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हालांकि आपको फार्मूला सब याद होगा। एंड सेम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आइए बच्चों पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड के
बारे में। तो हमारे पास देखिए ये एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ये 200 है और ये 200 है, टोटल हो गया कितना बच्चों 400 हो गया। टाइम टेकन ये 2 आवर 3 आवर 5 घंटे का समय ले रहा है, तो ये 5 × 40 मतलब ये 80 हो गया। यूनिट क्या है, स्पीड है, तो क्या होगा ये होगा किलोमीटर पर आर, किलोमीटर है और ये आर में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा देखिए कितना इजीली आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म से रिलेटेड है। ये ट्रेन ए से गया बी में, वापस बी से ए पे आके रुक गया है, मतलब क्या है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग एंड पॉइंट का जो गैपिंग है वो है ही नहीं, वो ये कॉन्साइड कर रहा है, तो ये जीरो बाई एनीथिंग जीरो। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ कवर्स अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। ओके, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। चलिए आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हम लोग अभी क्या बनाएंगे, ये हम लोग डायरेक्शनल वाला जो एरो सिस्टम होता है वो बनाएंगे। ये हो गया ईस्ट, हो गया वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो इस तरह से हमें 4 डायरेक्शन मिल गया। तो क्या यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ से ये जा रहा है 1 किलोमीटर, कितना जा रहा है बच्चों, तो ये जा रहा है टोटल 1 किलोमीटर, और साथ ही टाइम कितना लग रहा है 100 सेकेंड। टाइम कितना है यहाँ पर, 100 सेकेंड का समय लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1000 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। मीटर हम लोग क्या देखते हैं, 1 किलोमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करा। मीटर में क्यों कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये सेकेंड में था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड और वेलोसिटी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमारे पास बनेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम बनने वाला है फार्मूला। और अगर हम लोग वेलोसिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। तो देखिए यहाँ पे सिंस ये सिंगल वन डायमेंशनल मोशन में जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इस कंडीशन पे इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स अगेन 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1000 मीटर। तो आइए देखिए कुल मिला के बात है, ये 1000 हो गया और इधर 100 है, तो इसे सॉल्व करके आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और जब वेलोसिटी का कैलकुलेशन होगा, ये 1000 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंस कहाँ है बच्चों, देखिए मैग्नीट्यूड में तो यहाँ डिफरेंस नहीं है, दोनों की वैल्यू 10 है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें डायरेक्शन दे देंगे हम लोग, ये किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है, ड्यू ईस्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड क्या है, वो स्केलर है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन इसमें हम लोगों का डायरेक्शन भी होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में ये कहता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, आपको याद रखना है हमेशा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो तो जीरो होगी, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हमें कहता है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, क्या वेलोसिटी एक्वायर कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात याद रखिए, जब भी ये रेस्ट कहा है ना भाई, तो रेस्ट में तो यू जीरो है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ यूनिट क्या लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा ना भाई, तो ये मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर होता तो यहाँ क्या लिख सकते थे, किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक सिंपल सा है कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेने का यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम देखिए यहाँ पर है 2 सेकंड का समय लगा है। तो बच्चों हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आइए देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 10 - 0/2, तो कुल मिला के 5। यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाना है हमें, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।
नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब जीरो हो गया ये यू की वैल्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी एक्वायर्स हो रही है, 180 मीटर पर सेकेंड, किस में भाई, कितने टाइम में, टाइम इज इक्वल 0.05 आर। देखिए बच्चों ये मीटर पर सेकेंड में है और ये आर में है, तो ये तो चलेगा नहीं। अगर आप बाय मिस्टेक, क्या होता है ना कि बच्चे लोग सपोज एट न्यूमेरिकल एग्जाम में एंड टाइम में अगर टच करते हैं तो ये यूनिट कन्वर्सन पे फोकस नहीं रहता उनका और वो छूट जाता है उनसे, और वो सेम डेटा लेके सॉल्व करते हैं और आपका आंसर गलत आ जाता है, कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ से, ये आर का मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 60 मिनट। ठीक है, अगर और 60 करेंगे तो सेकेंड हो गया, तो देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके कैंसिल हो गया ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे करके आ गया, देखिए 6 5 30 और ये 6 18 180 ये हो गया सेकेंड हो गया। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना बच्चों, क्या होगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, तो ये देखिए हो गया 180 माइनस 0/180 इज इक्वल्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो 11 को डिस्कस करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे बताता हूँ। अगर वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव वाले को ही हम लोग एक्सलरेशन ही बोलते हैं। और अगर वी और यू दोनों सेम है तो एक्सलरेशन कितना आएगा बच्चों, ये जीरो आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा। और अगर वी इज लेस देन यू है, वी इज लेस देन यू है तो उस समय एक्सलरेशन नहीं आता है, रिटार्डेशन आता है। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ए बराबर है सपोज दैट +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर एक्सलरेशन ए कनोटेशन के हिसाब से -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखिए बच्चों ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक्सलरेशन पॉजिटिव है मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ते चले जा रहा है, ठीक है, और अगर एक्सलरेशन नेगेटिव है तो इसकी वेलोसिटी घटते जा रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब जब आप बाइक वगैरह चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जब आप एक्सलरेट कर रहे हैं मतलब उसकी रफ्तार को बढ़ा रहे हैं तो एक्सलरेशन उसके कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो उस समय क्या उसकी रफ्तार घटती है, फाइनल वेलोसिटी घट रही है तो वो रिटार्डेशन आएगा, या फिर उसको डी एक्सलरेशन भी हम लोग कहते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड। कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम लग रहा है वो है 3 सेकंड। अब व्हाट इज़ द एक्सलरेशन पूछा है, तो फार्मूला तो वही रहेगा भाई, तो ये वी क्या है, वी है 20, तो देखिए 20 - 50/3, तो ये सॉल्व करके -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या बच्चों, ये हमारा हो गया एक्सलरेशन, ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक टॉय कार है उसका रफ्तार है 18 किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए किलोमीटर पर आवर है मतलब 18 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो सॉल्व करके 5 मीटर पर सेकंड हो गया ये हमारा। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि अच्छा कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकंड, स्टॉप के बारे का है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हम लोग लिख सकते हैं, और इसमें कहता है कितने टाइम में भाई, इसमें हमारे पास कहता है टाइम लगा है 2 सेकंड लगा है, तो वो कहता है एक्सलरेशन निकाल लो, तो यार वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, वी जीरो है और ये 5 / 2 है, तो ये -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया है, ये रिटार्डेशन आ गया है। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि भाई उसकी रफ्तार वो घटते चले जाएगी।
नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया है यहाँ पे, अ कार एक्सलरेट्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। टाइम अगर 2 सेकेंड है तो पूछता है कि इसका वेलोसिटी में क्या इंक्रीज आया है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए बच्चों, ए बराबर वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, तो ए की वैल्यू लिखेंगे 5 और ये इक्वल टू साइन यहाँ पे v माइनस यू, टाइम हो गया 2, दैट इम्प्लाइज v माइनस यू का वैल्यू कितना हो गया 10। यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, क्या निकाला हमने, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड इसका हो जाएगा। चाहे वेलोसिटी निकालिए चाहे आप चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, दोनों का सेम ही रहता है। नंबर 14 की बात करेंगे तो ये 14 में कहता है कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब रिटार्डेशन होगा, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सलरेशन क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, बोलता है वी निकालिए भाई साहब, क्या कितने टाइम बाद, 5 सेकेंड बाद, ठीक है 5 सेकेंड के बाद। तो अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, एक्सलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी 20 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल ये कम आने वाला है, कितना आने वाला है भाई, ये कम आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कितना आएगा, तो देखिए भाई यहाँ पे एक्सलरेशन इज इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, एक्सलरेशन का वैल्यू -2 डालेंगे और ये वी माइनस 20 और ये हमारा हो गया 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 2 10, -10 इज इक्वल्स यहाँ हो गया वी माइनस ये हो गया क्या 20। देखिए 20 को इधर लाएंगे तो क्या होगा बच्चों, 20 - 10 बराबर वी हो गया है, दैट इम्प्लाइज वी इज इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब दो सवाल रह गए हैं 15 और 16, तो ये 15 मैं करता हूँ, 16 भी कर ही दूंगा या हिंट्स दे दूंगा। अब बाईसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक बाइसाइकिल है जो मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, एक्सलरेट्स मतलब रफ्तार उसकी बढ़ने वाली है फॉर 5 सेकेंड, टाइम बराबर है 5 सेकेंड के लिए, एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, मतलब वी निकालने कह रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक्सलरेशन इज इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ये वी है ठीक है और ये यू है। तो अब हमारे पास ए का वैल्यू है 2, वी कैलकुलेट करना है, ये है 5 और ये हो गया टाइम 5 सेकेंड। देखिए बच्चों 5 2 10 और ये 15 आ जाएगा, देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये 5 इधर आ जाएगा, तो वी इज इक्वल्स कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। सवाल है तो यहाँ पर 16 नंबर पे आते हैं, कहता है कि अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो कार जो है वो मूव कर रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसका क्या आएगा, 5 आने वाला 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए 18 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 कैंसिल, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इट इज़ स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड का समय लगा है, ब्रेक वगैरह लगाया गया है, तो ये क्या हो गया, रुक गया है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्या बोलता है, फाइंड स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। देखिए पहला का जो आंसर है स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड, ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया इसका पहले वाले का, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द रिटार्डेशन निकालना है, क्या कहना है निकालना बच्चों, रिटार्डेशन निकालना है। तो हम लोग ये पहला तो हम लोग देख लें यहाँ पे, पहला क्या लिख लेते हैं, देखिए 18 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करके 5 मीटर पर सेकेंड लिख दिए। अगर हम दूसरे की बात करें एक्सलरेशन मतलब रिटार्डेशन निकालना, तो ये वी माइनस यू बाई टी, तो फाइनली तो ये रुक जा रहा है ना बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद ये रुक रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया 0 माइनस, ये वैल्यू डालेंगे 5 / 5, तो ये सॉल्व करके -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया हमारा, ये रिटार्डेशन आ गया, ये कितना आ गया, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स,
ये अपना अंतिम सवाल है, तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद क्या इसका रफ्तार होगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। अंतिम सवाल है, आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। लेट दिस पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 देखिए, ये हो गया पहला सेकंड, फिर ये हो गया दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये डिस्टेंस पे मत जाइए, अभी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसके बाद ये और कम होगा, ये और कम होगा, ये और कम होगा, ये और कम होकर रुक जाएगा, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा ये क्या हो गया ना, इक्वल जैसा बन गया। मतलब अगर रियलिटी में बनाना चाहेंगे तो इसका ज़्यादा लेंथ आएगा, इसका कम, इसका कम, इसका कम, और इसका और ज़्यादा कम आ जाएगा। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जब इस लोकेशन पर है तो इसका रफ्तार कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट करके इस पर बात करेंगे मीटर पर सेकंड पे। 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड। सवाल में दे दिया कि 5वां सेकंड में भाई ये रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रुक गया उसका रफ्तार। तो समय ये कहता है कि 2 सेकंड के बाद इसका क्या वेलोसिटी होगा। मान लीजिए इस वेलोसिटी का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, V1 नाम दे देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, V1, ठीक है। आप सारा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका हम V1 नाम दे दिए। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ तक कोई स्टडी करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम आ गया, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, T1 इज इक्वल्स 2 सेकंड, V1 हमें कैलकुलेट करना है, ये U जो है U1 का काम करेगा, और ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया है। और भाई एक्सलरेशन मतलब जो रिटार्डेशन की बात करते हैं हम लोग, रिटार्डेशन तो एज इट इज़ जितना है उतना ही रहेगा, तो रिटार्डेशन कितना है बच्चों, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सलरेशन जो है एक्चुअली ये रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे करके ये आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग, हमारे पास क्या हो गया, एक्सलरेशन इज इक्वल्स V-U/T। तो ये -1, V मतलब हमें निकालना है V1, ठीक है। तो यहाँ 1 1 और ये भी 1 कर देते हैं, तो V1 कैलकुलेट करना है हमें, और यहाँ पे माइनस U1 कितना है, U1 जो है ये 5 है, 5 डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकेंड। तो ये इधर आ जाएगा -2 इज इक्वल्स V1 -5, ये 5 इधर आएगा तो क्या होगा, V1 इज इक्वल्स 5 -2 = 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया है। तो अब हम लोग का जो है यहाँ पे ये अलग पूरा सेक्शन का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आज के न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा ये 3 फार्मूला के बारे में, इनका यूनिट क्या क्या है वो सारा हम लोग, ये हम लोग हर न्यूमेरिकल वाले क्लास में या डेरिवेशन वाले क्लास में करेंगे, इससे आपका प्रीवियस जो है वो रिकॉल होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखिए, या स्पेशली ये वाला हो गया, ये बेसिक सा कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये सारा हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने ये भी सीखा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एंड एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह का हम लोगों ने आज न्यूमेरिकल देख लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। So my dear students, for more videos, stay tuned with the channel Ingenious Physics.